और गाइड बोल रहा था हमने अच्छा किया है, हमने तो बहुत अच्छा किया हमें लगा। अरे मैंने तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया, बहुत ज़्यादा अच्छा किया। मैं तो लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा। और जो मंदिर के आसपास चार छोटे छोटे मंदिर है, उसमें एक शिव जी का मंदिर है, एक गणेश जी का मंदिर है। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज डे 3 इन उदयपुर। अभी बज रहे 6:15 सुबह के और टेम्परेचर जो है वो अभी 6 degrees है। और हम लोग 6:15 इसीलिए जल्दी उठ गए क्योंकि हम लोग जा रहे हैं साइकिलिंग के लिए 22 किलोमीटर यहाँ से। 6:30 to 8:30 का हमारा 2 घंटे का प्लान है साइकिलिंग का। और दिखाना चाहूँगा बाहर अभी पूरा अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा है। साइकिलिंग के लिए कहाँ जा रहे हैं वो आपके लिए सरप्राइज है, बट चलते नीचे और शुरू करते साइकिलिंग। और पहले में ही फेल हो गए हम लोग। लेके जा रहे हैं सब लोग हाथ से, बहुत ही स्टीप है ये। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर राइडिंग अ गियर बाइसिकल, सो इतने में हालत ख़राब हो गई। फिर देखो ऐसे सब लोग लेके जा रहे हैं। सो दिस इज़ द ब्रिज दैट कनेक्ट्स न्यू सिटी टू द ओल्ड सिटी। पहले हम लोग ओल्ड सिटी से आए पीछे से यहाँ से, और अब यहाँ न्यू सिटी की तरफ आया शुरू। फर्स्ट स्टॉप ब्रिज के बाद रुके टू क्लिक अ पिक्चर। कौन सा ब्रिज है? फतेह सागर लेक। सो दिस इज़ द फतेह सागर लेक। यहाँ पे हमारी साइकिल्स खड़ी है। सो ब्रेक के बाद निकल पड़े हम लोग वापस, फोटोग्राफी हो गई। और ये दोनों भाई बहन अभी रुके हुए। चलो भाई अंजलि, तुझे गैर समझ में आ गया? कैसे लग रहे हाथ? थोड़ा यहाँ देख के बता। अंजलि को गियर समझ में नहीं आया था, आप 1-2 किलोमीटर से फर्स्ट गियर में चला रही है, तब जाके सेकंड क्लिक हुआ है। मुझे लगता है ख़त्म होगा राइड तब तक थर्ड गियर पर पहुँच जाएगी है। यो आशु, यो अच्छा, ठंडी लग रही है हाथों में बहुत ज़्यादा। हाथ महसूस नहीं हो रहे? मेरे दिमाग में था ठंडी लगने वाली है, लेकिन ग्लव्स थे नहीं तो क्या करें। कुछ ऑप्शन नहीं था? कोई ऑप्शन नहीं था। और ये हमारे साथ जो राइडर है वो डेली करते हैं, इज आवर गाइड। व्हाट्स योर नेम? देव। देव, और ये डेली राइडिंग करते हैं जो हम पूरी राइड आज करने वाले हैं। हाँ सही है, ग्लव्स भूल गए, बाकी सब सही है अभी तक। तो अब आ रही है क्लाइंबिंग, बहुत ही मुश्किल होने वाला है। फर्स्ट गियर पे चला रहे हैं, दिस द क्लाइंब। और ये अंजलि ने हार मान ली, क्लाइंब हो नहीं पाया। थक गई? थक तो यार। चल हाँ, बहुत लंबा रास्ता। और आगे शायद 1 किलोमीटर के बाद ब्रेक ले रहा है चाय के लिए। लेट्स सी, हाथ हाथ देख रहे हो, सुन हो गए, बहुत ही लाल हो गए। मैं तो ऐसे चल रहा हूँ। अंजलि तो ऐसे चल रही है, पता नहीं है, लगता है एक पहिए वाली साइकिल चला रही है। A few inches later. सब यहाँ पे रुके चाय का ब्रेक लेने, सब लोग थक गए। ऑलमोस्ट 6.5 किलोमीटर डन हो गए, अभी भी 6 किलोमीटर बाकी है। चाय के ब्रेक के लिए रुके। रेडी? यस।
तो साइकिल दौड़ा गया चले। मैं चाय की बूंदे आ गई, मैं भगाऊंगी चाय की वो आ गई चलना बूंदे आ गई माउंटेन ड्यू पीगी वो एड वाला को पीटूंगी अगर। मतलब तो साइकिल चला के जा रही है, खींच के जा रही है, खींच के जाऊंगी। चाय का ब्रेक हो गया, वापस चल रहे। अभी 8.5 किलोमीटर्स है, 8.5 किलोमीटर्स टू आवर होटल, अप्रॉक्स 45 to 1 hour और लगेगा। सो फार बहुत मज़ा आ रहा है, चाय पी ली थोड़ी एनर्जी मिल गई और अंजलि भी अच्छी स्पीड से अब चला रही है, देखते हैं कितने टाइम में पहुँचते हैं। तो यहाँ पे फोटोग्राफी डन हो गई, मस्त पॉइंट था जहाँ से सन सामने दिख रहा था। तो फोटो तो आपको एज यूजुअल इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। अब सब लोग चल रहे आगे, दिस इज हाउ वी आर गोइंग। पूरा यहाँ से डाउन हिल है, बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पे। काफ़ी सारे लोग यहाँ सुबह सुबह साइकिलिंग और वॉकिंग करने आते, जॉगिंग करने आते, बहुत अच्छी चीज़ है। और विंटर अभी है तो वेदर इतना मस्त होता है, प्लेजेंट होता है, ठंडा सुबह और भी मज़ा आता है। और ये स्पेशली साइकिलिंग के लिए ट्रैक बनाया गया है, बहुत ही अच्छी बात है यार, मज़ा आता है। अच्छा ट्रैक है, स्मूथ रोड है, और क्या है ना, दूसरा कि सामने से जो व्हीकल आ रहे हैं उससे आप बच के रह सकते हो। ये जो पार्ट है लेक का वो बर्ड फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा है, और यहाँ पर ऐसी मूर्ति भी बनाई गई है। तो आ गए फाइनली ओल्ड सिटी में वापस। अब यहाँ से 1.5 किलोमीटर टू 2 किलोमीटर जितना डिस्टेंस है हमारी होटल का। अभी तक कुछ 17 किलोमीटर्स हुआ, तो आई थिंक टोटल कुछ 19 किलोमीटर जैसा होगा। पर अब आ गए उदयपुर की नैरो रोड्स। अंजलि चला नहीं पा रही है तो ऐसे चला रही है, तो अब मैं भी उसके पीछे ऐसे साइकिल लेके जा रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा स्टीप स्लोप है, और अब उससे भी ज़्यादा स्टीप स्लोप सब साइकिल लेके चल रहे हैं, कोई साइकिलिंग नहीं कर रहा। अंजलि आ जा। क्या माइलो आ गया, देख माइलो खिला ले, माइलो माइलो। सो फाइनली साइकिलिंग डन, हमने कुछ 17-18 किलोमीटर्स किए 1 hour 50 minutes, और गाइड बोल रहा था हमने अच्छा किया है, हमने तो बहुत अच्छा किया हमें लगा। अरे मैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया, बहुत ज़्यादा अच्छा किया। लिम्का बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम था। लिम्का वो पीने वाली लिम्का। अभी बहुत थक गए तो ऊपर जा रहे, ब्रेकफास्ट हमारा वहाँ पे, ब्रेकफास्ट करेंगे फिर रेडी होके जगदीश टेम्पल जाना है, फिर वहीं से निकल जाएंगे अहमदाबाद के लिए। सो अभी ब्रेकफास्ट करने चलते हैं, और मिलते आपको ब्रेकफास्ट के बाद। One eternity later. सो फाइनली चेकआउट कर लिए होटल से, अभी बज रहा है 10:45। ये सामान कार में रखते फिर जगदीश टेम्पल चलते। सो दिस इज आवर लास्ट स्टॉप जगदीश मंदिर, जो कि हमारी होटल से काफ़ी नज़दीक था, पर 2 दिन से हम लोग टाइम पे पहुंच नहीं पा रहे थे क्योंकि जब हम बाहर निकलते थे मंदिर बंद हो गया। अगर तो दिस इज हाउ द मंदिर लुक्स फ्रॉम इनसाइड। तो ये जो मंदिर है वो 1651 में महाराणा जगत सिंह ने बनवाया था, तो ये कुछ
400 साल पुराना मंदिर है। यहाँ मंदिर की दीवार पे ना स्कल्पचर्स है, एलिफेंट के हैं, डांसर्स के हैं, हॉर्स के हैं, काफ़ी सारे स्कल्पचर्स बनाए। 3 माले का है, वो 3 मालों की दीवार पे ऐसे स्कल्पचर्स बनाए हैं। मंदिर के चारों तरफ दूसरे छोटे छोटे मंदिर है, उसके अलावा मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं आपको फोटो जो इंटरनेट से वही दिखा दूंगा। अब मंदिर के बाजू में बांके बिहारी का भी एक छोटा सा मंदिर है, तो वो अंदर जाके देखते हैं। मंदिर के अंदर जो विष्णु भगवान की मूर्ति वो काले एक सिंगल पत्थर में काव करके बनाई गई है, दूसरा कोई पत्थर नहीं, एक ही पत्थर से जो काले कलर का है उससे विष्णु भगवान की मूर्ति वो बनाई है। और जो मंदिर के आसपास 4 छोटे छोटे मंदिर है, उसमें एक शिव जी का मंदिर है, एक गणेश जी का मंदिर है, एक सन टेम्पल है और एक शक्ति देवी का मंदिर है। ये बांके बिहारी का मंदिर है, उसकी जो दीवार है उसके भी ऐसे दीवार पे भी ऐसे हाथी और घोड़े की और उसकी नक्काशी की गई है। ये छोटा सा मंदिर है कंपेयर टू जगदीश टेंपल, बट ये भी जगदीश टेंपल के अंदर से ये मंदिर आप आ सकते हो। और ये बांके बिहारी जी का मंदिर, यहाँ आंटी अच्छी है, हमने अंदर दर्शन कर रहे हैं और वीडियो भी शूट करने दे रहे हैं। तो गैस ये था जगदीश टेंपल और बांके बिहारी जी का टेंपल जो हमने अभी अभी देखा, जो उदयपुर में जो सिटी पैलेस है उसके एकदम बाजू में। पहले सिटी पैलेस के पहले यही 2 मंदिर आते हैं, फिर उसके बाद सिटी पैलेस आता है। तो अब चलते हैं अपनी कार की ओर, वहाँ अंजलि और आशु दोनों वेट कर रहे हैं। एक्चुअली सुबह साइकिलिंग करके दोनों थक गए, तो इसीलिए ऊपर चढ़ के आना नहीं चाहते थे, दर्शन करके वो लोग नीचे चले गए। और यहाँ जग मंदिर का एंट्रेंस पर ऐसे 2 हाथी बनाए हुए हैं। तो फाइनली जगदीश टेंपल घूम के हम वापस आ चुके हैं हमारे पार्किंग लॉट में। इट्स टाइम टू गो होम। अंजलि यार थोड़ी शॉपिंग भी करनी है, मैं दिखाऊंगी मैंने क्या शॉपिंग, और हम जाके अहमदाबाद जाके दिखाएंगे क्या लिया है। सो गाइस 2 दिन का ट्रिप था हमारा उदयपुर का, अभी संडे के बजे है कुछ 11:30 बजने आए हैं, तो अभी निकल रहे हैं हम लोग गांधीनगर के लिए। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो और अगर ये आपको सीरीज पसंद आए देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब करें, ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन ताकि जो नेक्स्ट वीडियो लाइव हो उसके सबसे पहले आपको अपडेट मिले। एंड विल सी यू गाइस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।